स्टूडेंट्स, दिस इज वीना गोयल अगेन विद यू। काफी सारी इन्फॉर्मेशन लेके जो आपके टाइम टू टाइम क्वेश्चंस आते हैं उनके आंसर्स के लिए आई एम विद यू। होप ये आपके क्वेश्चंस के काफी सारे आंसर्स मिल जाएंगे एंड यू विल बी इजी टू फाइल योर केस फॉर ऑस्ट्रेलिया। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं ऑस्ट्रेलिया पे लेके आए हैं। अब बच्चों का क्वेश्चन जो आता है, बहुत सारे बच्चों का, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, बोर्ड कौन सा होना चाहिए, स्पाउस जा सकता है नहीं जा सकता, तो एक एक करके इन सब चीजों की बात करते हैं। अब आ जाते हैं एकेडमिक परसेंटेज। आपको मालूम है कि आजकल हर कंट्री, पहले वो भी टाइम था कि जब हम 40-45% में भी वीजा लगवा देते थे, लेकिन अब बच्चे क्योंकि ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, एक लिमिटेड कोटा होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर, खासकर आप ध्यान रखो कि 60% मिनिमम आपके होने चाहिए ओवरऑल। एंड जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनमें कुछ भी हो लेकिन ओवरऑल 60% हो। ये नहीं कि आर्ट्स में आपके होम साइंस का आप काउंट कर रहे हो या पेंटिंग का, वो सब्जेक्ट्स हम काउंट नहीं करते। कोई भी सब्जेक्ट मेडिकल के हो तो वो तो ऑलरेडी मेन सब्जेक्ट्स हैं, एंड नॉन मेडिकल का है तो वो भी अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आर्ट्स वाले बच्चों के लिए चैलेंज होता है। तो उसमें जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, अगर कंप्यूटर बच्चे ने बीच में लिया हुआ है, या एनवायरमेंट, ये सब्जेक्ट्स हम काउंट करते हैं। तो मेरे ख्याल ये क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा कि सब्जेक्ट्स वाइज कैसे करें। अब आपके अगर मार्क्स बहुत अच्छे हैं, 70% एंड अबव या 80% एंड अबव, तो ये डिपेंड करता है अलग अलग यूनिवर्सिटी पे कि वो आपको स्कॉलरशिप कितनी देते हैं। 90% अबव है तो 101% आपको स्कॉलरशिप बहुत अच्छी मिलने वाली है, 80% है तब भी मिल जाएगी, 70% पे आपको कुछ स्कॉलरशिप शुरू हो जाती है। अब मान लीजिए आपने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में जाना है, कुछ यूनिवर्सिटी सेमेस्टर ऑस्ट्रेलिया की, अब उनमें क्या है कि अगर आपका 78% हो, 78% पे आपको 101% स्कॉलरशिप लगनी लगनी है, क्योंकि वो कोर्स बहुत अच्छा है जिससे वो कोर्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए वो बच्चों को मतलब स्कॉलरशिप देते हैं उनको एनकरेज करने के लिए। अब सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के। तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो है, अब आपको फंड्स जो है मैक्सिमम जो रिकमेंड किया जाता है, एम्बेसी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, वन डे ओल्ड भी हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको सोर्स दिखाना होता है। सोर्स क्या हो सकता है, आपने कोई लैंड सेल की है या कुछ शेयर्स सेल की है, तो उनके आपको प्रूफ लगाने होते हैं। तो जो मेन एप्लीकेंट है, अगर बच्चा जा रहा है, उसके $23,000 लिविंग एक्सपेंसिस, $23,064 समथिंग लाइक दैट, ये आपके मेरे ख्याल 12 लाख के आसपास बनेंगे। अब जैसे मेन एप्लीकेंट को 23,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर दिखाने हैं फॉर लिविंग एक्सपेंसेस फॉर ईयर एंड प्लस 6 मंथ की फीस। ऐसे ही जो स्पाउस अगर जा रहा है तो स्पाउस की 7,300 एंड किड की 3,000 समथिंग, तो ऐसे करके ऑलमोस्ट 10,500 एक बच्चा और अगर स्पाउस साथ में है उनकी शो करनी है। अब आपका ये आ जाता है कि परसेंटेज कितनी हो, ये तो फाइनेंशियल हो गया, परसेंटेज भी मैंने आपको बता दिया हुआ है। अब आपका थर्ड आ जाता है गैप जस्टिफिकेशन देना बड़ा जरूरी है, आप क्या कर रहे थे, क्योंकि प्लस टू के बाद आपका 1 ईयर गैप इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि 1 ईयर में आप ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हो, कंट्री सिलेक्शन, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, इन चीज़ों में टाइम लग जाता है, या फाइनेंशियल आपने जो भी एडजस्ट करना है। लेकिन अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो अप टू 5 ईयर्स का गैप एक्सेप्टेड है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सैलरी स्लिप देंगे। होप यू गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन, और आपके कोई भी क्वेश्चंस और भी हों तो ये हमें हेल्प करते हैं दोबारा से आपको इन्फॉर्मेशन देने में। एंड आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज डू विजिट, एनी टाइम यू कैन कॉल। थैंक यू सो मच।